वेलकम टू फ्लेवर स्टोरी। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे साउथ इंडियन फेमस कारा चटनी की रेसिपी, जो इडली और डोसे के साथ लाल वाली चटनी मिलती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए लाल लाल टमाटर। यहाँ पर मैंने लिया है 7 से 8 टमाटर और ये देसी वाले हैं, और इसे मैंने धुलकर साफ कर लिया है। अब गैस पर पैन चढ़ाकर इसमें हम 2 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। तेल गर्म होने के बाद इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच चने की दाल, जिसे मैंने साफ कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लिया है, क्योंकि इसमें डस्ट वगैरह रहता है। इसी के साथ इसमें 1 चम्मच उड़द की दाल भी ऐड कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 8 से 10 कली लहसुन की, 4 लाल मिर्च, इसे मैंने मोटा मोटा काट लिया है क्योंकि इसे बाद में हमें ग्राइंड करना है। 25 से 30 सेकंड के लिए इन्हें रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 3 प्याज, जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में रफली काट लिया है। प्याज इसमें बहुत ज़रूरी है। सारे इंग्रेडिएंट्स को हम 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। अब 1 मिनट के बाद इसमें हम डाल देंगे कटे हुए टमाटर। टमाटर को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अच्छी तरह से चलाने के बाद इसे हम ढक कर 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। इसी के साथ हम इसमें 2 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। ये कम तीखा रहता है, लेकिन इसका कलर बहुत अच्छा आता है। मिक्स करके इसे हम फिर से ढक देंगे और इसे 2-3 मिनट और पकने देंगे। जब कभी हम रेस्टोरेंट या होटल में डोसा या इडली खाने जाते हैं, तो कॉमनली वहाँ पर नारियल की चटनी तो हमें मिलती ही है, लेकिन जो साथ में लाल वाली चटनी मिलती है, उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो वही चटनी आज हम घर पर बना रहे हैं, जो बहुत ही टेस्टी बनेगी। इस चटनी को बनाने के लिए मैंने देसी टमाटर का यूज़ किया है, क्योंकि इस समय मेरे पास वही था। आप चाहें तो जो दूसरा वाला टमाटर सलाद के लिए आता है ना, थोड़े से लंबे रहते हैं और कम खट्टे होते हैं, तो आप उनका भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर टमाटर अच्छी तरह से गल गए हैं और पानी भी इसका काफ़ी सूख गया है। इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, और ठंडा होने के बाद इसे मैंने मिक्सी में डालकर पीस लिया था। और भी टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम लगाएंगे एक तड़का। तो गैस पर मैंने तड़का पैन चढ़ाकर 2 चम्मच इसमें तेल डाल दिया है। तेल गर्म होने के बाद इसमें 1/2 चम्मच राई, 10 से 12 करी पत्ते और 2 सूखी लाल मिर्च को मैंने हाथ से तोड़कर इस तरह से डाल दिया है। इसे हम हल्का सा चला लेंगे, और चलाने के बाद इसे हम तैयार किए हुए चटनी में डाल देंगे। आज मैंने आलू मसाला डोसा बनाया है, साथ में ये कारा चटनी, और इसी के साथ गन पाउडर, जिसे पोड़ी पाउडर भी कहते हैं। पोड़ी पाउडर में 1 चम्मच आप देसी घी मिक्स कर लीजिए, जो खाने के स्वाद को इतना बढ़ा देगा कि आप बिना नारियल की चटनी, बिना सांभर के 2-4 डोसा ऐसे ही खा सकते हैं। आप इसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कभी भी बनाकर खा सकते हैं। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।